अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बीफ के शामी कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सिंपल बनते हैं और परफेक्ट बनते हैं। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में आधा किलो हम बीफ डाल देंगे, चार अदद लाल मिर्च लेंगे, नमक लेंगे 1 टीस्पून और एक मोटी इलायची, काली इलायची जो है वो डालेंगे इसमें। आपके पास गोल वाली लाल मिर्च है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया। अब कुकर को हम बंद करेंगे और इसको 70% हम गला लेंगे, मोर देन हाफ हम गला लेंगे। ये गोश हमारा गल गया है, अभी भी आप देख सकते हैं इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी अभी भी है। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे, ये हमने 2 घंटे पहले भी गो के रखी थी। अब इसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 3 लहसुन के जवे लेंगे, एक छोटी प्याज ले लेंगे उसके 2 पीस कर लेंगे, नमक लेंगे इसमें 1 टीस्पून और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, इस सबको भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। अच्छे वाली चने की दाल 2 सीटी के अंदर गल जाती है अच्छे से। हमने दाल को लेवी नहीं करना, खड़े खड़े ज़रा रखनी है दाल। ये देखें पानी हमारा पूरा ड्राई हो गया है और दाल भी हमारी गल गई है। अब हम इसका गरम मसाला रेडी कर लेंगे। 1 सिनेमन स्टिक हम लिए, 1-1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा, काली मिर्च और सूखा धनिया का लिया और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये सभी 1-1 टेबल स्पून हमने लिया है। अब ये ड्राई रोस्ट हो गया, हम इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम चॉपर में बीफ और दाल का कवाम जो हमने बनाया था वो सारा इसमें डाल देंगे। 1 बड़े साइज़ का अदरक का टुकड़ा लिया हमने और इसको बारीक बारीक काट के उसको भी इसमें डाल देंगे। और जो मसाला हमने गरम मसाला रेडी किया था उसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसे बंद करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास शामी कबाब वाली मशीन है तो आप उसमें से भी निकाल सकते हैं। ये देखें हमारा टेक्सचर ज़बरदस्त सा रेडी हो गया कबाब का। आप देख सकते हैं कि इसमें गोश्त के रेशे कैसे खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। अब हम थोड़ा धनिया लेंगे, 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको बारीक चॉप कर लें, पहले मत डालें वरना वो पानी छोड़ देती है। इसको सेपरेट होके ही आप इसको चॉप करके बाद में डालें, तभी इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए हमारा चॉप हो गया अच्छे से। अब हम इसको भी इसमें मिक्सर में मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब हाथों को थोड़े से पानी से ग्रीस करेंगे। एक बॉल के साइज़ का हम ये मिक्सर उठाएंगे कबाब का, और अगर आपके पास कबाब कटर है तो उसको यूज़ करें, अच्छे से प्रेस करें और ये शेप आपकी परफेक्ट रेडी है। और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको कबाब बना सकते हैं, अपनी साइज मर्ज़ी के साइज़ का बना सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ मीडियम साइज़ के कबाब बना सकते हैं। हम ज़रा बड़े साइज़ के कबाब बना रहे हैं। ये देखिए हाथों से इसको प्रेस करेंगे और साइड से फिर इसको रोल कर लेंगे, तो ये भी हमारा परफेक्ट कबाब रेडी हो गया है। लेकिन मैं कटर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे इसकी शेप बहुत पसंद है कटर की। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। कबाब हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब आपको अगर इनको स्टोर करना है तो एयर टाइट कंटेनर में आपने पहले 1 लेयर लगानी है, फिर ऊपर प्लास्टिक शीट रखनी है और दोबारा इसके ऊपर 2nd लेयर हमने कबाब की रख देनी है। इस तरह आप इसको अप टू 3 वीक्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उसी टाइम यूज़ करना है तो आप उसी टाइम यूज़ करें, हम तो इस टाइम भी बनाएंगे और बाकी स्टोर भी कर लेंगे। अब एक अंडा अच्छे से बीट करेंगे, बहुत अच्छे से अंडे को बीट करना है। 1 कप ऑयल हम शैलो फ्राई के लिए डालेंगे और इसको पहले अंडे से कोट करेंगे कबाब को और सारे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे कबाब हमारे एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे कबाब, अब इसको साइड चेंज कर देंगे और इसको दूसरी साइड से भी हम सेम फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे हम इस 1/2 मग पानी लिया मैंने। जैसे पानी में बॉयल आया 1 टेबल स्पून हम इसमें पत्ती ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी की अपनी पसंद के कोई से भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हमने शुगर ऐड किया, इससे थोड़ा सा और शुगर मैं ऐड करूँगी, हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा चीनी पी जाती है। 1 मग इसमें हमने दूध ऐड करिए
और इसको मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी चाय रेडी हो जाएगी। कबाब भी हमारे मीनवाइल रेडी हो रहे हैं। ये देखिए कबाब हमारे सारे फ्राई हो गए हैं। अब हम ऑयल स्ट्रेन कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। कबाब का कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। कुछ लोग इसको ब्लैक कलर भी देते हैं लेकिन मुझे ये कलर ही पसंद है। चाय भी हमारी ज़बरदस्त सी स्ट्रॉन्ग टी हमारी रेडी हो गई है कबाब के साथ। ये कबाब इतने ज़बरदस्त हैं कि आप इसको चाहे बिरयानी के साथ सर्व करें, चाहे आप एज अ स्टार्टर रखें दूसरी डिशेस के साथ, ये सबके साथ ही बहुत अच्छे रहते हैं। हाई टीज़ के लिए मेन आइटम है ये। चले इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म कबाब, गर्मा गर्म चाय हमारी रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।